ये बात है। नंबर पांच, जो इंसान के सुकून को खराब करने वाली चीज है टेंशन, उसकी एक वजह गुनाह भी है, बल्कि बहुत बड़ी वजह गुनाह है। एक इंसान के गुनाह उसके दिल के सुकून को खराब करते हैं, बल्कि कई साइकोलॉजिस्ट ने यह बात कही है कि इंसान के गम और उसके तनाव की बुनियादी वजह यह है कि वो अपने माने हुए उसूलों से इन्हिराफ करता है। इंसान को टेंशन कब आता? जब आपको मालूम है ये सही है, रिश्वत नहीं लेना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, मिलावट नहीं करना चाहिए, और आपने रिश्वत ली, धोखा दिया, मिलावट की, झूठ बोला, लूटा, गसब किया, कुछ भी किया, गलत काम किया। जैसे ही आदमी गलत काम करता है, अंदर से बीप होना शुरू होता है, नोटिफिकेशन, तू गलत है, तूने सही नहीं किया। उसको शट डाउन कर सकता है, आप नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं, यहां से जो नोटिफिकेशन आता बंद कर सकते हैं उसको नहीं। खाना खा रहा, अच्छा खाना खा रहा, हलाल का नहीं है तेरा खाना, तूने चोरी किया है, तूने झूठ बोला है, तूने धोखा दिया है, करोड़ पे लेटा है, तू अच्छा इंसान नहीं है, लोगों के बीच में बैठा हूं हंस रहा है, बहुत हंस रहा है, आखिरत में क्या जवाब देगा अल्लाह को। अंदर से जो इंसान को बार बार उसका जमीर परेशान करता है, आदमी का सुकून खराब हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो उसको बंद कर पाते हैं एकदम ही, जो है यानी ऐसे लोग जिनका दिल मर जाता है, वही लोग होते हैं जो बंद कर पाते हैं। वरना आम इंसान जो है, जब उससे गलती होती है तो जब तक कि उसको रिपेयर नहीं करता है, उसको चैन नहीं आता है। एक आदमी है, मतलब बूढ़ा आदमी मिसाल के तौर पर, उसको कोई धक्का दे के गिरा दे, कोई देखा नहीं, अंधा आदमी था, नौजवान है, धक्का दे के गिरा दिया उसने बाइक से, और वो गिर गया रास्ते पर, घर पे आता, अंदर से दिल में होता सही नहीं किया तूने, गलत काम किया बहुत। कितने लोग एक्सीडेंट करके निकल जाते हैं, कोई पकड़ता नहीं, रात का वक्त था, पुलिस भी नहीं देखी, सीसीटीवी में भी नहीं आया कौन सी गाड़ी का नंबर, नंबर प्लेट भी नहीं आ रही, कुछ कोई घर तक नहीं आया उसके। अगले दिन मालूम पड़ा फलां जगह एक्सीडेंट हुआ, पूछता क्या हुआ वहां पे, एक्सीडेंट हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा, कब हुआ, इतने बजे हुआ, क्या हुआ उसका, मर गया वो, कौन था वो, बच्चा था, बाप था, गाड़ी पे जा रहे थे, तो कैसा हुआ, अब पीछे से कार आई निकल गई, कौन सी किसकी कार थी, मालूम नहीं, किसी ने देखा ही नहीं वहां पे, एक आदमी था लेकिन उसने बोला कार थी लेकिन नंबर नहीं देख पाया मैं, अंधेरे में समझ भी नहीं आया रंग क्या था, अंदर से तो शुक्र मान रहा है कानून की गिरफ्त में नहीं आया, लेकिन ये आदमी चैन से जी पाता नहीं। हर दिन उसको लगता है तू सही नहीं है, तू मुजरिम है, तू मुजरिम है, तू मुजरिम है। ये जो अंदर की बेचैनी है क्यों है, ये इसलिए है कि उसको चैन नहीं आता है, अंदर के अपने कोर्ट में केस चल रहा है उसका, डेली डेली उसका केस चलता है, हर दिन सजा मिलती है उसको, एक सजा से वो बचने के लिए भागा है लेकिन रोजाना उसको सजा मिलती है। ऐसे कितने जुर्म होते हैं इंसान के, तो वो जो गुनाह है, गुनाह भी इंसान की बेचैनी दिल में बढ़ा देता है। गुनाह की एक सजा आखिरत में है लेकिन उसकी सजा दुनिया ही से शुरू हो जाती है बेचैनी। وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, جو میری نصیحت سے اعراض کرے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہے, اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہے, اس کو تنگ دل اس کا تنگ ہو جاتا ہے اور قبر اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ دونوں تفسیر علماء نے کی ہے کہ دنیا میں اس کے لیے کیا ہے, دل اس کا تنگ ہو جاتا ہے, گھٹن محسوس ہوتی زندگی میں اس کو گناہوں کی وجہ سے, اور قبر میں بھی گھٹن ہوتی ہے اس کو سزا کے طور پر, تو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس, گناہ کیا ہے جو تیرے جی میں کھٹکتا رہے کھٹکتا رہے کھٹکتا رہے اور تجھے بالکل بھی پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ یہ آدمی چپکے چپکے گناہ کرتا ہے, موبائل والے چپکے چپکے گناہ کرتا ہے,
उसके दिल में हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, मैं पकड़ा ना जाऊं। ऑफिसेस में लोग बैठ के हाँ चैटिंग कर रहे हैं, कभी बेहयाई भी देख रहे हैं, फिल्में भी देख रहे हैं, डर हमेशा रहता, बॉस ने देखा कभी तो जॉब चला जाएगा, इज्जत चली जाएगी। मोबाइल वाला डरता रहता कहीं इज्जत ना चली जाए मेरी, कोई पकड़ ना ले मुझको। इतनी सारी फ्रेंड लिस्ट में सारी लड़कियां हैं, दो चार आधा दर्जन ही सिर्फ लड़के हैं, बाकी सब जो है क्या है, लड़कियां हैं। आदमी जुर्म कर रहा है, गैर महरम से चैटिंग कर रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, डर लगा रहता है कहीं बीवी नींद में उसका अंगूठा लेके मोबाइल। बीवी भी बराबर होशियार रहती है, सोने दो, जब खर्राटे लेते हैं क्या करेंगे, आईफोन है इनका, बस अंगूठा चाहिए इनकी पूरी, हाँ पूरी इनका बायोडाटा मिलने वाला है, किससे चैट करते, कितने मैसेजेस भेजते और क्या है सब बराबर देखती है। तो आदमी को डर लगा, मुजरिम हमेशा डर में जीता है, क्या जरूरत है, सुकून से जीना है, काहे को जुर्म करे आदमी भाई, कहीं इसको ऐसे काम करे कि घबराहट उसको हो, कोई पकड़े जाने का डर तो तभी होगा जब आदमी गलत काम करेगा, लेकिन उसकी सजा दुनिया में मिलती है। गलत काम एक बार करता है और डरता उसका कब तक है, जिंदगी भर। क्यों क्यों करे, ऐसी जिंदगी जिए क्यों आदमी जिसके लिए उसको डर लगा रहे हमेशा कि कोई पकड़ लेगा मुझको। तो गुनाह का नुकसान ही होता है कि अंदर से उसकी सजा मिलती रहती है, डर खौफ और गम और अपनी मीजान में खुद मुजरिमाना एहसास, ये सारी सजा दुनिया की है, इससे इंसान की जिंदगी खराब हो जाती है, हमेशा टेंशन में रहता हो, ना करे आदमी ऐसा। इसीलिए कहा कि गुनाह वो है जो तेरे जी में खटकता रहे। मालूम है गुनाह की सिफत यह है कि आदमी की जी में क्या होता है, वो खटकता रहता, सुकून नहीं नसीब होता है, और वह करिहता अन यत्तले अलैह नास, और तुझे बिल्कुल पसंद ना हो कि लोगों को उसकी खबर हो। तो गुनाह करने वाला आदमी, खुसूसन जो चुपके गुनाह करता है, उसे डर लगा रहता है कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, ये डर हमेशा उसके साथ रहता है और उसकी जिंदगी को बेचैन करता है।